debugging. Assalamu alaikum dear students, my name is Rabia Salman and here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital engagement platform of Moonlight International Publishers. मैं सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ. होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है समझ आ रहा होगा. हमारा चैप्टर है प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डीबगिंग. डीबगिंग पहले तो मैं आपको डीबगिंग के बारे में बता दूँ. डीबगिंग क्या है? डीबगिंग होता है कंप्यूटर के अंदर होता है टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग एन एरर. एरर को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना. सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना, उसको रिमूव करना, ख़त्म भी करना. जिस तरह हम नॉर्मली कोई काम करते हैं, हम उर्दू का, इंग्लिश का, मैथ्स का, तो टीचर्स होते हैं वो आपके एरर्स को ढूंढते हैं, गलती निकालते हैं और उसको फिर उसके बाद उसके करेक्शन भी करते हैं कि ये चीज़ है. कंप्यूटर में इस चीज़ को डीबगिंग कहा जाता है. बग होता है कि आपका जो बग है वो आपका फॉल्ट आ जाता है, वो आपका एरर आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई फ्लॉज आ गया, कोई ख़राबी आ गई. तो डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस. डीबगिंग वो अमल होता है ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग ऑफ कोडिंग ड्यूरिंग अ कोडिंग. हमारा जो काम है मेकिंग एरर, कोई भी एरर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर आ जाता है तो आपकी डीबगिंग आ जाता है. डीबगिंग इज़ अ, आपके पास है कि आपने प्रोसेस है जो फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर, कि आपने एरर को फाइंड भी करना है और उसको रिमूव भी करना है. ठीक है जी, कि आपके पास डीबगिंग में आ जाता है. तो हम स्क्रैच की बात करें तो स्क्रैच में ये होता है कि स्लो डाउन प्रोसीजर होता है, लेकिन ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है. उसमें से प्रोग्राम को, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उसमें से जो भी फाइंडिंग एरर्स होते हैं उसको करता है. हम बग के बारे में, बग जो है वो फ्लॉज आ जाता है, कंप्यूटर वायरस हो जाता है, यानी कि क्या फ्लॉज आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसको चेक करना, फिर उसका रिमूव करना. तो डीबगिंग में जो है हमारे पास फाइव जो थिंग्स हैं प्रोग्रामिंग एरर्स में, जो पांच चीज़ें जो है मेनली हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि जो पांच चीज़ों की वजह से जो है ज़्यादातर हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स एरर्स आ जाते हैं. नंबर वन में आपके पास जो आ जाता है क्रिएटिंग वेरिएबल्स, आपके पास आ जाते हैं कि आप वेरिएबल्स ऐसे क्रिएट कर लेते हैं कि जो मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं सेपरेट के लिए ऑल द, ठीक है. जब आपने जो वेरिएबल शुड भी जो है अराउंड, कि आपने जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा चेंज रखने हैं, ठीक है, एक जैसा वेरिएबल नहीं रखना. जब आपको वेरिएबल एक जैसा होगा, ठीक है, सेपरेट्स में, तो उसमें वेरिएबल चांसेस आ जाते हैं, एरर के चांसेस हो जाते हैं. फिर हम सेकंड बात करते हैं यूजिंग द रॉन्ग डुप्लीकेट ब्लॉक आपके पास आ जाते हैं, कि आपने कोई डुप्लीकेट या रॉन्ग जो है वो वेरिएबल बना लिया. फिर हम थर्ड बात करते हैं पुटिंग द वर्ड और ब्लॉक. ब्लॉक जो है पुटिंग, आपने इस तरह के ब्लॉक्स पर एंटर कर लिया, पुटिंग जो कर ली वो भी आपकी गलत हो जाती है. फोर्थ वाली है पुटिंग द स्क्रिप्ट्स, आपके पास ऐसे आ जाते हैं जो कि मूविंग वगैरह के लिए, जो रॉन्ग आपके पास होते हैं मूविंग स्क्रिप्ट्स, इस तरह के पास आपके पास आ जाएंगे. पुटिंग ब्लॉक्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, आपने जो तरतीब है असेंडिंग में देनी थी आपने स्किप कर दी या कोई इस तरह की चीज़ कर दी, तो ये सारे जो है वो आपके डीबगिंग में आ जाते हैं. जैसे रेंडमली हम लोग काम करते हैं सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई आपने ब्लॉक को स्किप कर दिया, ये इस तरह का कर दिया, ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं. तो हम डीबगिंग को किस तरह देखते हैं, एनालाइज द वे ऑफ डीबग, कि हम किस तरह मुशाहिदा करते हैं. एनालाइज का मतलब होता है मुशाहिदा करना, एनालिसिस करना, कि डीबग को हम किस तरह करते हैं. द पर्पस ऑफ डीबगिंग इज द लोकेट एंड फाइंड द एरर, कि आपने एरर को फाइंड कर लिया, अब आपने उसको लोकेट करना है, उसको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसको आपने रिमूव करना है. तो हमारे पास फोर वेज होते हैं, फोर तरह के एरर्स आपके पास कंप्यूटर में आ जाते हैं. सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ. सिंटैक्स होता है जो आपको लिखते हुए आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कि आपने जहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी या कुछ इस तरह की होगी, वो सिंटैक्स एरर आ जाता है. एक होता है रन टाइम एरर, कि आपने किसी चीज़ को डिवाइड इस तरह कर दिया, वो आपके पास रन टाइम एरर आपके पास आ जाएगा, ठीक है. फिर सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा, जहाँ पे वैल्यू बड़ी है छोटी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके पास एनालाइज द डीबग होगा, कि आपने ये देखना होगा कि इन चार में से कौन सा हमारा एरर आ रहा है और फिर इसको आपने किस तरह रिमूव करना है. स्टूडेंट होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है. इसको अच्छी तरह गो थ्रू करें, इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने न्यू चैप्टर में मिलते हैं. अपना ख्याल रखें, टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.